फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे देगा। आज मैं वीडियो बनाने आया था स्विमिंग की बैक स्ट्रोक के बारे में, मतलब कि नहीं, ब्रीथिंग के बारे में बनाने आया था। तो पूल की चल रही है, मतलब कि पानी चेंज हो रहा है, तो बारिश के कारण काफ़ी गंद पड़ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब कि मिट्टी काफ़ी गिरी थी, तो उसके कारण पूल का पानी साफ हो रहा है, मतलब कि भर के खाली होकर दोबारा से भरेगा। तो चलो कुछ स्विमिंग टिप्स मैं बता देता हूँ, आया तो हूँ, वीडियो तो शूट करनी है मुझे, और ब्रीथिंग के बारे में मैं बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक में कैसे सांस लेना है। ठीक है, तो ये सारी टिप्स मैं बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, टिप्स सारी, हाउ टू टिप्स, और मतलब कि स्विमिंग में कैसे, मतलब कि थंबनेल मैं ऐसे ले लेता हूँ ना, आपको पता है। तो बाकी थोड़ा इधर से, पता नहीं मेरा फेस इधर से ज़्यादा ग्लो आ रहा है, ग्लो इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर मेरा इस वेल पूल खाली है, तो पूल पूरे अपनी जो टाइलों का वो कलर आ रहा है वो अच्छे से आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी सारी टिप्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताऊंगा ब्रीथिंग कैसे करते हैं, ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग कैसे करते हैं, मतलब कि सही मैंने मुझे कमेंट करते हैं कि सर आपको स्विम, मतलब कि भाई आपको स्विमिंग नहीं सिखाने आती, भाई आप मुंह से ब्रीथिंग करते हैं और मुंह से ही लेते हैं, नाक से ब्रीथिंग लेते हैं। भाई मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप नाक से ब्रीथिंग अंदर खींचोगे तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, आप एक हाथ से पानी उठाओ, आप एक ग्लास ले लो उससे पानी उठाओ, जानवर ना किस चीज़ से ज़्यादा पानी उठेगा, वही सिस्टम है। ग्लास एक किस्म आपका मुंह है, हाथ एक किस्म आपका नाक है। ठीक है, तो आप हिसाब लगा सकते हो। हम नाक से सांस कभी प्रोफेशनली चेक कर लेना, ओलंपिक रियो में चेक कर लेना। माइकल फिलिप्स इस वेले मतलब कि स्विमिंग का सबसे टॉप का बंदा माइकल फिलिप्स है, इसके ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है जितने भी है। ठीक है, तो ये भी नाक से छोड़ता है और मुंह से लेता है। ठीक है भाई, मेरे जो भी मुझे कमेंट करते हैं उनके लिए है, भाई आप अपनी जगह सही होंगे, आपको जो कोच ने सिखाया आप आगे भी वही बता रहे हो, पर वो चीज़ गलत है। आप मुंह से सांस लेके मुंह से छोड़ नहीं सकते, या फिर मुंह से छोड़ के नाक से नहीं ले सकते, ये लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत करेगा। मतलब कि जब आप स्विमिंग फास्ट करनी है तब आपको इस चीज़ की आदत होगी, तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें क्या होता है कि नाक से सांस छोड़नी है, मुंह से लेनी है। ठीक है, रिमेंबर, नाक से छोड़नी है, मुंह से लेनी है, और जब ब्रीथिंग करनी है तो छोड़ते छोड़ते अंदर जाना है और छोड़ते छोड़ते बाहर आना है। ठीक है, अब फ्री स्टाइल की बात करते हैं। ठीक है, फ्री स्टाइल में करते समय जब आप ये हाथ चलाते हो तो फेस नीचे आता है, टर्न करना है, मुंह अंदर, ब्रीथिंग जहाँ से सांस लेके, मतलब कि यहीं से छोड़ते छोड़ते जाना है आपने, मतलब कि क्या करना है, मतलब कि एक रिदम लानी है आपने, सांस खींचना है, नाक से निकालना है, सांस खींचना है, नाक से निकालना है, बस ये करना है कि जब आपने खींचना है तो बाहर आके खींचना है और निकालते निकालते, मतलब कि यही चीज़ करनी है। बस ये है कि अब मैं एक जगह खड़ा होकर कर रहा हूँ, अब क्या करना है, अब बैठक करो, उठक बैठक करो, ये सबसे बढ़िया टेक्निक रहेगी पानी के अंदर। मतलब कि आपने यहाँ से लिया, मतलब कि छोड़ते छोड़ते जाओ, छोड़ते छोड़ते आओ, इसी तरह फ्री स्टाइल करते समय। ठीक है, आपने ब्रीथिंग छोड़ रहे हो, मुझे नहीं पता पानी में आपको, मतलब कि अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर यही चीज़ आपने पानी में फ्री स्टाइल में करनी है, जिसके कारण आपको क्या होगा, ना तो आपको ब्रीथिंग रोकनी है, ना होल्ड करनी है, ना कुछ करना है। ठीक है, इसमें आपको फ्री स्टाइल में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आप ऐसे करते हो ना तो क्या करते हो, आप पूरा फेस बाहर करके ऐसे घुमा के फिर अंदर लेते हो। उसका रीज़न क्या होता है कि आप पानी के अंदर सांस नहीं छोड़ते, आप बाहर आके छोड़ते हो, बाहर ऊपर से लेके फिर अंदर करते हो ना, कई बंदे फेस ऊपर को ऐसे घुमाने के बजाय ना अपनी बॉडी को पूरा सीधा कर लो यहाँ तक, फिर सांस ले लो। बिगनर के लिए ये, प्रोफेशनल के लिए तो सिंपल, ये हाथ चला रहे हैं वो, ये हाथ चला रहे हैं तो हल्का सा ये आगे वाला पार्ट को डाउन रखना है और इसको हल्का सा टैन करना है, ये हाफ इतना चश्मा बाहर आएगा और सांस लेना। और हाँ, एक कमेंट मुझे और आया था कि दोनों साइड सांस कैसे लें, दोनों साइड सांस कैसे लेना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज जैसे आप इधर ले रहे हो ऐसे आपने इधर लेना है। जब आप दोनों साइड हाथ सांस लोगे तो तीन तीन हाथ चलेंगे, अगर आप एक साइड हाथ लोगे तो चार हाथ चलेंगे, ये बात नोट रखना। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 सांस ले लिया, 1 2 3 सांस ले लिया, ये चीज़ चलेगी। ठीक है, अब आते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक में। ब्रेस्ट स्ट्रोक में बड़ा आसान है, अपने सिंपल करना है जैसे, ये चीज़ करनी है। ठीक है, और जितना आप ऐसे करके सांस छोड़ के आओगे, ये नहीं कि आपने पूरा सांस छोड़ के ही आना है, आप जितना छूट के जितना रह गया बाहर आके सांस लेके फिर अंदर जा, बाहर आके सांस लेके फिर अंदर, इससे आपकी एल्गोरिथम बन जाएगी। बटरफ्लाई में भी ऐसे, सांस छोड़ा,
सांस छोड़ा, ठीक है ना, ये चीज आपके बटरफ्लाई में रहेगी। बैक में कोई ऐसा कुछ नहीं होता, बैक में जब आप बैक कर रहे हो तो क्या करना है कि जब आपका हाथ पानी में जा रहा है तो सांस को थ्रो करना है ताकि जो आपके मुंह में पानी आए, जैसे वो जब हम यहाँ से करते हैं तो ये चीज पार्ट लगता है तो मुंह में पानी आता है वैसे, ठीक है। तो जब आप सांस थ्रो कर रहे होंगे जैसे मुंह पे आएगा वो अपने आप मुंह से हट जाएगा, फिर जब बाजू चलेगी फिर आपने अंदर खींच लिया, ये चीज़ करनी है। वैसे जो ब्रीथिंग होती है ना वो बैक में इतना दिक्कत नहीं करती जितना कि बाकी स्ट्रोक में करती है, सबसे ज़्यादा करती है फ्री में, ठीक है, ब्रेस्ट में भी इतना नहीं करती, बटरफ्लाई में भी इतना नहीं करती, ठीक है। तो ये थी ब्रीथिंग स्ट्रोक बाय स्ट्रोक कैसे लेनी है, ठीक है। और क्या करना है, एक चीज़ और बता दूँ कि जब आपने ब्रीथिंग सपोज करो अब जैसे कि ये पूल खा लिया मुझे प्रैक्टिस करने में क्या करूँ, जो चीज़ वीक है उसको कवर करना है, जैसे कि आपकी किकिंग वीक है तो उसको कवर करना है, बैठ के आप किकिंग करो, लेट के किकिंग करो, ठीक है ना। किकिंग मतलब कि जो मैंने टिप्स बताई हुई है किकिंग की वो चीज़ करनी है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी। मैंने एक मुझे कमेंट मतलब कि व्हाट्सअप ग्रुप है मेरा, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर वीडियो आ रही है काफ़ी जनों की, मतलब कि ये कमी क्या है। वो क्या कर रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सीख के स्टार्ट हो जाते हैं आगे चले जाते हैं ना, पहले एक चीज़ को कवर करो पूरा जो सही लगे, ठीक है पूरा, फिर उसके साथ प्लस एक चीज़ ऐड करो, फिर उन दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ प्रैक्टिस करो, फिर तीसरी चीज़ ऐड करो। इससे क्या होगा, इसमें कम टाइम में आप ज़्यादा सीख पाओगे। अगर आपने कम टाइम में ज़्यादा सीखना है तो सबसे स्लो चलोगे तो ज़्यादा सीखोगे, मतलब कि वन बाय स्टेप आप सीखते जाओगे तो होगे। ये नहीं है कि आपको किकिंग करने आ गई, आपको दो दिन में या एक दिन में किकिंग करने आ जाती कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट क्या होता है कि माइंड को रिमेंबर नहीं होता, हम अगले स्टेप पे चले जाते हैं और किकिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, ठीक है, जिसके कारण जब हम पानी में स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम तैरना स्टार्ट करते हैं तो हमारे कुछ पार्ट तक किकिंग चलती है, उसके बाद किकिंग खत्म हो जाती है या ख़राब चलने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि सही टेक्निक की हमने ज़्यादा देर प्रैक्टिस नहीं की। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है, तो सही चीज़ का आपने ज़्यादा देर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दूसरी बात कि जब आप स्टार्टिंग स्विमिंग स्टार्ट करते हो तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है, जैसे लेग्स नीचे चली जाती है जब आप स्टार्ट करते हो, या फिर आपकी लेग्स चलती है हाथ नहीं चलते, हाथ चलते हैं लेग्स नहीं चलते, और ब्रीथिंग लेते समय तो प्रॉब्लम आती है, ये प्रैक्टिस से दूर होएंगी, ठीक है। अगर आपको फ्री स्टाइल में सांस नहीं लेना था, फ्री स्टाइल कर रहे हो, ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो, आप बीच में डॉग स्विमिंग करके फिर फ्री स्टाइल करो, ठीक है, फिर डॉग स्विमिंग करो, पर इसमें 4-5 बार ऐसे करने के बाद आप एक बार ऐसे भी जरूर करो, ठीक है, जब आपके हाथ पैर सही चलने लग गए ना उसके बाद आप इसके ऊपर काम करो, फेस के ऊपर तब काम करो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपको ये हो जाएगा कि बाई चांस आपके अंदर पानी भी चला जाता है तो आप डूबोगे नहीं, आप ओखे सोखे होके पूल से बाहर आ जाओगे। अगर आप डायरेक्ट इसको ब्रीथिंग पे काम करने लग जाओगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी ये सारी टिप्स अच्छी लगी हो ब्रीथिंग के ऊपर, और मैंने किकिंग के बारे में बता दिया कि आपको पहले किकिंग की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, उसके बाद हैंड वर्किंग पे जाना, ठीक है। आप क्या है, किकिंग की प्रैक्टिस होती नहीं और हैंड वर्किंग पे चल जाती है। मैंने 50 बार बोला है कि किक ऐसे ऐसे मारा करो, ठीक है, किक ऐसे फोल्ड करके ऐसे ऐसे मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, किक ये चीज़ गलत है जो आप करते हो कभी कभी, पर बिगनर्स के लिए ये प्रॉब्लम आसान है, मतलब कि आती है, और बारिश पड़ रही है अभी भी, मतलब कि हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, ठीक है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब आपने बैक करना है ना तो बैक में आपने नीचे नहीं देखना है, मतलब कि नीचे नहीं देखना, जितना नीचे देखोगे उतनी कमर नीचे जाएगी, कमर नीचे जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, जब आप ऊपर देखोगे तो कमर ऊपर आएगी तो ऑटोमेटिकली आप फ्लोट करोगे, जिसके कारण स्पीड तो बढ़ेगी। अब मुझे कमेंट आया था भाई स्प्रिंट क्या होती है, स्प्रिंट क्या होती है, मैं बता देता हूँ भाई, जैसे 25 मीटर का पूल है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने पूरा तेज़ तैरना है, जितनी भी आप में जान है या एनर्जी है, और उसका टाइम नोट करना है कि आपने कितनी देर में कवर की, उसके बाद दो ब्रीथिंग करके फिर से वापस जाना है, ठीक है। उसमें हर एक स्प्रिंट का टाइम नोट करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब मैं कितने में पहुंचा और वापस मैं कितने में पहुंचा। ऐसी स्प्रिंटें आप 10 से 20 स्प्रिंटें मारो जिससे आपकी स्पीड में फ़र्क आएगा। अगर आपने स्टेमिनर बढ़ाना है फिर कंटिन्यू राउंड मारो, मुझे स्टेमिनर का भी काफ़ी आता है कि स्टेमिनर कैसे बढ़ाएं। आप मतलब कि अब स्विमिंग के 10 राउंड मार रहे हो तो कल 11 मारो, 12 मारो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में 2 बढ़ा सकते हो या 4 बढ़ा सकते हो या 1 बढ़ाना है, पर बढ़ाते जाओ जरूर, मतलब कि थकने के बाद जब आप पूरा टूट गए हो ना तब तैरो, वो स्टेमिनर गेन होगा, ठीक है। आप सपोज करो कि अब मेरे में जान बिल्कुल नहीं, अब मैं तैर नहीं सकता, मेरे हाथ खड़े, फिर जो आप 2 राउंड मारोगे वो आपका स्टेमिनर होगा, वो आपका बड़ा होगा, जो स्टेमिनर अगर आपने उसमें 2 मार लिए ना तो आपको कल को 10 मारने में और आसानी लगेगी, ठीक है, पर 12 में दिक्कत आएगी, फिर 14 मार दो फिर 12 आसान लगेंगे, 10 तो आपके यहाँ चुटकियों की बात हो जाएगी फिर 12 आसान लगेगी, ठीक है ना। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी स्टेप बाय स्टेप करते रहो, बाकी मुझे सपोर्ट करो यार, और
बस मेरे टेक्निकल अभी मनी चैनल को भी सपोर्ट करो, उस पर आजकल वीडियो आ नहीं रही, बस अभी फ़ोन आएंगे। मैं थोड़ा बिजी था मेरी शॉप के लिए, और मेरी शॉप अब पूरी रेडी है, सारा कुछ तैयार है। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, सब्सक्राइब करते रहना मेरे चैनल को, और इस तरह मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैंने अभी बताया ना, ये नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट आएगा, अगर पूल में पानी तो भर ही जाएगा, तो मैं वो पानी में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है। तो बकायदा मैं पानी के अंदर कैमरा भी लेके जाऊँगा, पर कैमरा जब मैं पानी के अंदर लेके जाता हूँ, दिक्कत ये आ जाती है कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है ना कि कैमरा पूरा सही शूट कर ले, उसको बताना पड़ता है कि यहाँ से शूट लें, और मैं खुद स्विमिंग कर रहा होता हूँ तो खुद कैमरा पकड़ के बस। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, अगर स्विमिंग की टिप्स आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दें मेरे इस चैनल पे, और फॉलो कर लें मुझे टिकटॉक, फेसबुक, टेक्निकल लवली मनी, सभी जगह कर लें जो करना आपने। थैंक यू फॉर वीडियो।